बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो मैसेज का मेन मकसद पूरे बलूचिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पहले मैं पाकिस्तान से शुरुआत करूंगा कि जितने भी डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी इदारे, ऑफिशियल्स, लोग, वॉलंटियर्स, उन सब के हवाले से कि जो फ्रंट लाइन पे आज इस पूरे पेंडेमिक में कोरोना वायरस के हवाले से एक बहुत बड़े मिशन पे, एक बहुत बड़े हाई रिस्क मिशन पे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, मैं आप सब की इस काविश को, इस मेहनत को, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यकीनी तौर पे एक डॉक्टर के हवाले से आपकी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, जिस अंदाज में और जिस महदूद वसाइल और कम तर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रिकॉशंस के साथ आप सब कर रहे हैं, यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा अजर है, एक बहुत बड़ा एफर्ट है आप लोगों की तरफ से। बलूचिस्तान में हमारे डॉक्टर्स, हमारे सर्जन्स, हमारे पैरामेडिक्स और वो सारे लोग जिन्होंने, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशल्स, हमारे बाकी फोर्सेस जिन्होंने सबसे पहले इस वायरस को ताफ्तान पे कन्फ्रंट किया। और ये लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जानना कि जब पूरा पाकिस्तान किसी हवाले से कोरोना के लिए तैयार भी नहीं था, न कोई प्रिकॉशनरी स्टेप्स थे, न कोई आइसोलेशन वार्ड्स बने थे, न ही कोई हेल्थ हवाले से प्रिकॉशनरी मेथड्स थे जो आज हम सब देख रहे हैं। आप इमेजिन करें कि 20 दिन पहले या 25 दिन पहले ये कुछ भी नहीं था, तो इन लोगों ने फ्रंट लाइन पे जाके 3 से 4 हज़ार ज़ायरीन को एक जगह पे उनके साथ रहे, उनकी खिदमतदारी की, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स के हवाले से वहाँ थे। तो सबसे पहले बलूचिस्तान में हमें इन सब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने 5 से 6 हज़ार लोगों को एक महदूद वसाइल के साथ साथ एक महदूद जगह में रख के और ये वहीं क्वारंटीन में रहे और फिर अपने कंसर्न प्रोविंसेस के हाथ में रहे। मैं शेख जायद हॉस्पिटल में, हमारे फातिमा जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, बीएमसी, बाकी सारे हॉस्पिटल्स में जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, पैरामेडिक्स के हैं, डॉक्टर्स हैं, आप लोग जिस अंदाज में अपनी मेहनत कर रहे हैं ये हाईली अप्रिशिएटेबल है, और हमारी भी एज ए गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट आपके साथ है। यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज है कि पूरी दुनिया में ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं इनमें बड़ी कमी है, यहाँ तक कि दुनिया में एक शॉर्टेज है ऑफ पीपी किट्स की, शॉर्टेज है मास्क की, शॉर्टेज है हर लिहाज से चीज़ों की शॉर्टेज है, लेकिन जो जो जहाँ जहाँ जिस मुल्क को, हमें भी जिस तरह का मौका मिल रहा है, जहाँ से सप्लाई चेन्स आती हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनको पूरा करें। तो यकीनी तौर पर आपकी गवर्नमेंट अपने हर लिहाज से 100% हमारी पूरी कोशिश है और इनको हम और बेहतर करने की हर लिहाज से कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये वबा हमारे मुल्क में इस तरह ना फैले जिस तरह आज दुनिया में हर जगह फैली है, लेकिन हमें अपनी मेहनत और अपनी ये सारी तदाबीर लेने की हर लिहाज से ज़रूरत है, जिसमें हेल्थ है, फूड है, कारोबार है, लोगों का सोशलाइज नहीं करना है। सो वंस अगेन मैं आप सबका तहे दिल से, अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, पूरे बलूचिस्तान की तरफ से मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस फ्रंट लाइन पे आप लोग खड़े हैं, जिस मेहनत और लगन के साथ आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।